अलमारी चोर। एक गांव में संपत नाम का व्यापारी रहता था। उसने व्यापार में अच्छा खासा कमाया था, खुद का घर था, उसपे अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से रहता था। एक दिन संपत का परिवार किसी शादी में दूसरे गांव जा रहे थे। उन्होंने घर को ताला लगाया और चाबी पास के घर के मुकेश को दिया। संपत ने मुकेश से कहा, मुकेश जी, मुझे लौटने में 4 दिन लग जाएंगे, ये चाबी आपके पास रखिए, एक ही चाबी है, कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए आपको दे रहा हूँ। मुकेश ने चाबी ले लिया और संपत का परिवार ऑटो में चले गए। कुछ देर बाद उनके घर के सामने एक ट्रॉली ऑटो आके रुका। उसमें एक नया अलमारी था। ऑटो में से एक आदमी शर्ट टक किया हुआ, टाई पहना हुआ उतरा। उस घर में ताला लगा था, इसलिए वो पास के घर के मुकेश के पास गया। सर, मेरा नाम लल्लू राम है और मैं फालतू फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड से आया हूँ। उस घर में ताला लगा हुआ है और उन्होंने एक अलमारी ऑर्डर किया था, क्या आप जानते हैं कि वो कब लौटेंगे? अरे वो तो अभी अभी गांव गए हैं, लौटने में 3-4 दिन लग जाएगा। ऐसा क्या? अरे रे, हमारे कंपनी के रूल्स के मुताबिक एक बार डिलीवरी मिस हो जाए तो वापस भेजने में 20 दिन लगते हैं। उनके लौटने तक ये आपके घर में रख दूं? इतना बड़ा अलमारी घर में रखूंगा तो चलने का जगह ही नहीं बचेगा। सोचकर, अरे कोई बात नहीं, वो चाबी तो मेरे पास रख के गए हैं, ये लीजिए चाबी। अलमारी को उनके घर में रख के ताला लगा के चाबी मुझे दे दीजिए। थैंक गॉड। सोचकर, आप भी साथ चलते तो अच्छा होता सर। घर में अगर कोई चीज इधर उधर हो गया तो सब मेरे पर ही शक करेंगे ना। मेरी नई नई नौकरी लगी है, बदनामी हो जाएगा सर। आप भी चलिए ना। तुम सच कह रहे हो, वैसे तुम इंसान ठीक दिख रहे हो, फिर भी बदनामी अच्छी नहीं। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। फिर मुकेश ने संपत के घर का ताला खोल दिया और उनके लोगों से अलमारी अंदर रखवा दिया। फिर वो ताला लगा के चले गए। अंदर अलमारी का दरवाजा खुला, उसमें से लड्डू बाहर आया। घर में से पैसे, गहने वगैरह सब लाके उसने अलमारी भरी। वहां कुछ रेशम के साड़ियां रखी थी, उन्हें भी उसने अलमारी में भर दिया और फिर अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद लल्लूराम फिर से मुकेश का घर आ पहुंचा। उसने मुकेश से कहा, सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, वो पास के घर के संपत जी के यहाँ देने वाला डिलीवरी मैंने इस संपत सर के घर में दे दिया। नई नई नौकरी है सर, कंफ्यूज हो गया, बुरा मत मानिएगा। अरे कोई बात नहीं, नई नई नौकरी लगी है, कन्फ्यूजन तो हो ही सकता है, ये लो घर की चाबी। सर वो आप भी साथ चलते तो? हाँ, मुझे भी साथ चलना पड़ेगा। अरे इतना डरोगे तो कैसा होगा भाई। मुकेश ने फिर से काम वालों को बुलाया और अलमारी को बाहर ले आया। फिर अलमारी को उसने ट्रॉली ऑटो में चढ़ा दी। ऑटो कुछ ही दूर गया था, इतने में चेकपोस्ट पर पुलिस ने गाड़ी रोक ली। उस चेकपोस्ट के एसआई बलविंदर कांस्टेबल पेटूलाल से बोला, पेटू चक्कर तो उसमें क्या है? लल्लू थोड़ा घबरा गया और पेटूलाल ऑटो पे चढ़ने ही वाला था। यहां लल्लूराम घबरा गया था, पेटू ऑटो पे चढ़ने ही वाला था। बलविंदर ने कहा, उस बाइक चोर के केस पे तूने ही तो कहा था, गाड़ी में जाने वाली चीज इतनी अहम नहीं होती जितनी की गाड़ी होती है। जाके ऑटो की आरसी और लाइसेंस चेक कर। इधर लल्लूराम ने चैन की सांस ली। पेटू ने भी सोचा, चलो अच्छा हुआ काम नहीं करना पड़ा। फिर वो लल्लू से ऑटो के कागजात लेके चेक करने लगा। सारे कागजात ठीक ठाक थे तो उसने ऑटो को छोड़ दिया। इधर संपत का परिवार का ट्रेन छूट गया था, एक ऑटो में वो उस चेकपोस्ट के पास आ पहुंचे। ऑटो में से संपत की बीवी ने उस अलमारी को देख के कहा, सुनिए जी, मेरी साड़ी जा रही है। संपत आश्चर्यचकित नजरों से उस ऑटो की तरफ देखा। अलमारी के अंदर से साड़ी का एक टुकड़ा बाहर दिख रहा था। संपत की बीवी ने कहा, वो देखिए, वो मेरी ही साड़ी है, भरोसा ना हो तो चलिए दिखाती हूँ। फिर वो दोनों एसआई बलविंदर से जाके मिले। उसकी बीवी झांसी ने कहा, एसआई साहब, उस अलमारी में मेरी साड़ी है, उसे अभी खुलवाइए। लल्लूराम डर गया। पेटू ने जाकर उस अलमारी को खोला और अंदर उसे लड्डू बैठा हुआ दिखा। उसमें गहने और अलग चीजें भी थे। झांसी बोली, बोली थी ना, ये मेरी ही साड़ी है। संपत बोला, अरे क्या बात है, इतनी बड़ी अलमारी नहीं पहचान पाई, साड़ी का टुकड़ा देख के पहचान गई, तू तो सुपर है। बलविंदर और पेटू उन दोनों के गर्दन पकड़ के ले जा रहे थे। लल्लूराम बोला, अरे तूने साड़ियां क्यों चुराई भिखारी कहीं का? लड्डू बोला, वो सोचा था मेरी बीवी को दूंगा। फिर उन दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाला गया। तो चोरी तुम किसी भी तरीके से करो, पर पकड़े तो तुम जरूर जाओगे, समझ गए? डबल डेकर बस वाले की सफलता। रामपुर नाम के गांव में देवेंद्र नाम का एक बूढ़ा ड्राइवर रहता था। वो हर रोज बस में शहर तक चक्कर लगाता रहता था। उसके बस का मालिक का नाम था जोगाराम। उसकी नीयत ठीक नहीं थी।
एक बार देवेंद्र माहवार लेते हुए, साहब पिछले महीने 20 दिन मैंने 2 शिफ्ट में काम किया है, लगता है वो पैसे देना आप भूल गए। जोगाराम, मैं भूला नहीं, तुम्हें उतना ही मिलेगा। नौकरी में कभी कभी ज्यादा काम करना पड़ता है, उसके लिए भी पैसे मांगोगे तो कैसे चलेगा। देवेंद्र, साहब ये तो गलत है, मेरी बेटी की शादी करनी है, उसी के लिए तो मैं ओवर टाइम करने के लिए राजी हुआ हूँ, ऐसा रहा तो मुझे डबल शिफ्ट करने का क्या फायदा बताइए। जोगाराम, अरे डबल शिफ्ट नहीं, अब तुम्हें नौकरी में भी आने की जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी बूढ़े हो गए हो, जाओ यहाँ से। निराश होकर देवेंद्र घर आया और अपनी पत्नी सुमति और बेटी रम्या को सब बताया। सुमति, इतने साल वहाँ काम करने का इनाम ये दिया, अब हम घर कैसे चलाएंगे, इसकी शादी कैसे करेंगे। रम्या, माँ हर बार मेरी शादी की बात लेकर क्यों बैठ जाते हो, शादी जब होना है तब होगी, मेरी चिंता छोड़ दो। पिताजी अब आप आराम करो, मेरे पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है, कल से मैं बस चलाऊंगी। लड़की होकर बस चलाओगी? ना बेटे, लड़कियाँ रॉकेट उड़ा रही है, बस क्या चीज है, लड़कियों को प्रोत्साहन की जरूरत है, वो आप देंगे तो बहुत खुश होंगी। अगले दिन एक बैंक गई, वहाँ का मैनेजर था विजय, उससे, सर मैं बस चला सकती हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी है, इस गांव के लोगों के लिए जो बस है वो काफी नहीं है, इसलिए मैं एक बस खरीदना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे लोन चाहिए, ये लीजिए मेरे घर के कागज, कृपया करके मुझे लोन दिलाइए। विजय ने वो कागज देखकर, लड़की होकर तुम बस चलाओगी, काफी साहसी हो, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे बस में लोग बैठेंगे, तुम्हें विश्वास है। सही कहा सर, मैंने लोगों और उनकी सोच पर रिसर्च किया है, इसीलिए मैं डबल डेकर बस खरीदना चाहती हूँ, उसे देखकर हर कोई एक बार बैठना चाहेगा, बच्चे तो बिल्कुल ही, इतना ही नहीं उसमें ज्यादा लोग भी सवारी कर सकते हैं, उसकी आमदनी भी अच्छी होगी। वेरी गुड, तुम्हारे घर के कागज के बिना पर तुम्हें लोन देता हूँ, ऑल द बेस्ट। इस तरह वो डबल डेकर बस खरीद कर चलाने लगी। वो जब गाँव में आई तो लोग हैरान होकर देखने लगे, बच्चे खुश होकर ताली बजाने लगे। अगले दिन रम्या के माँ ने फूलों से सजे बस के सामने कद्दू फोड़कर नजर उतारा। लोग उत्साह के साथ बस में जाकर बैठे, बस गांव से जाने लगी। इस तरह वह हर रोज बस चलाने लगी। एक दिन एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ बस के पास आया। वो व्यक्ति, बेटे ऐसे बस को फिल्मों में देखा था, सोचा नहीं था कि कभी अपने गांव भी आएगा, तुमने इसमें सवार करने का मौका दिया है, शुक्रिया बेटे। मैंने इस बस को किताबों में ही देखा है, मेरा मन था कि मैं इसमें सवारी करूं। मैं तो ऊपर ही बैठूंगा क्योंकि वहां अच्छा है। उनकी बातें सुनकर रम्या खुश हुई। हर महीने बैंक का उधार का किश्त भरती थी। यूं हर रोज वो बस चलाने लगी। जोगाराम के बस में लोग सवारी नहीं कर रहे थे तो वो दुखी हुआ। रम्या बस चलाते हुए उसे टाटा भी करती थी। वो मुंह फुलाकर देखता था। टीवी और अखबारों में लड़की के बस चलाने के चर्चे होने लगे तो उसके आसपास के गांवों में वो मशहूर हो गई। एक बार टीवी वाले बस के पास आकर उसका इंटरव्यू लेने लगे। रिपोर्टर, बधाई हो, आपने ये काम कर दिखाया है, आपकी सफलता का राज क्या है। मैं नहीं समझती कि मैंने सफलता प्राप्त किया है, जिंदगी में हासिल करने के लिए अभी बहुत कुछ है। लड़कियों को आजादी दें, उन्हें पढ़ने दें, उन्हें उभरने दें, जो काम अच्छा लगे उन्हें करने दें, तभी अपने देश में नारी शक्ति मजबूत होगी। परिस्थितियों से ना हार कर साहस के साथ आगे बढ़ें तो अपनी सफलता निश्चित है, ऐसे मैं मानती हूँ। ये सब बैंक मैनेजर विजय ने टीवी पर देखा। अगले दिन रम्या उसे पैसे देते हुए, सर इसके साथ ही मेरा लोन पूरा हो गया है, मैं आपकी मदद जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, रम्या ने ऐसे देखा मानो पूछ रही हो क्या है, जो अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं मैं उनका इज्जत करता हूँ और आदर करता हूँ। मेरे घर वाले कई रिश्ते लेकर आए पर मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई, तुम्हें देखा तो मुझे तुम पर बहुत गर्व होने लगा है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें मंजूर है। रम्या ने खुश होकर हाँ कहा। उसकी शादी धूमधाम से हुई, माँ बाप भी बहुत खुश हुए।